अस्सलाम वालेकुम, मैं सनम मलिक और आप देख रहे हैं सरगोधा न्यूज। बवाना वजीर आजम इमरान खान के एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत बवाना में इमदादी रकम का सिलसिला जारी है। DPO चिन्योट कैप्टन रिटायर मोहम्मद आमिर खान नियाजी की हदायत पर DSP बवाना मोहम्मद यासर गाना ने SHO बवाना अजमल समेजा के हमरा एहसास कफालत सेंटर बवाना का विजिट किया। तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा सरगोधा न्यूज आबिद हुसैन रमाना की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बवाना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के एहसास कफालत प्रोग्राम के तहत बवाना में इमदादी रकम का सिलसिला जारी है। DPO चनियोट कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी की हदायत पर DSP बवाना मोहम्मद अयाज सरगाना ने SHO बवाना अजमल समेजा के हमरा एहसास कफालत सेंटर बवाना का विजिट किया। तमाम तर इंतजाम का जायजा लिया गया। इस हवाले से DSP बवाना का कहना था। जी मुस्तक खवातीन के लिए एहसास कफालत सेंटर यहाँ पे कायम है। यहाँ पे हमने पुलिस की अपनी नफरी भी लगाई है ताकि कोई ऐसा मसला हो तो उनको इन्फॉर्म किया जाए। SHO साहब भवाना और मैं भी रेंडमली चेक करते हैं मुख्तलिफ अवकात में कि मुस्तक औरतों को रिटेलर कोई कटौती तो नहीं कर रहे हैं, कोई ऐसी शिकायत तो नहीं नज़र आ रही। तो रिटेलर को भी सख्ती से हिदायत की गई है कि मुस्तक खवातीन की जितनी भी रकम आती हैं उतनी ही उनको दी जाए, उसमें कटौती हरगज नहीं की जाए। अगर कोई शिकायत पाई गई तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनको भी हिदायत की गई है, हम गए बगैर रेंडमली चेक भी कर रहे हैं। यहाँ पुलिस फोर्स भी लगाई गई है और आने वाले मुस्तक खवातीन के लिए यहाँ पे सहूलियात भी दी गई हैं। पानी का बंदोबस्त किया गया है, उनकी लाइनिंग करवाते हैं और उनको बाहिफाजत यहाँ से पैसे दिलवा कर वापस घरों को भिजवाया जाता है।